दोस्तों आज की इस वीडियो में टाटा स्काई का नाम बदल कर हो गया है टाटा प्ले। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि टाटा स्काई ने अपना नाम टाटा प्ले क्यों किया और टाटा प्ले नाम चेंज करने के बाद वाकई में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये ज़माना जो है वो OTT प्लेटफॉर्म का है, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो हम कंटेंट एक्सेस करते हैं उसी कंटेंट को कंपनियां अब अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश कर रही हैं। तो उसी में ये टाटा स्काई की एक पहल है जिससे कि उसने अपने ब्रांड का नाम चेंज किया है और उसको कर दिया है टाटा प्ले। अब हम देख लेते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है। तो टीवी और OTT एक साथ, टीवी और OTT एक साथ का मतलब है दोस्तों इसमें तो आप टीवी के कंटेंट्स एक्सेस करेंगे ही सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से, इसके साथ साथ आप OTT एप्स यानी कि इंटरनेट मीडिया जो कि स्ट्रीम करती है अलग अलग डिवाइसेस पे उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो, इसके अलावा आपका हॉटस्टार, इसके अलावा आपका G5। तो ये सारे आपको आप मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल DS। टाटा प्ले DTH, तो टाटा स्काई DTH जो पहले नाम था दोस्तों अब इसका हो गया है टाटा प्ले DTH। तो मतलब जहां स्काई नाम यूज कर रहा था टाटा ब्रांड वहां अब इसने कर दिया टाटा प्ले। तो टाटा प्ले DTH उसमें आप सेट टॉप बॉक्स आपको मिलता है, एक रिमोट मिलता है और आपको डिश एंटीना मिलता है। तो ये सारा कॉम्बाइन करके आपको मिलता है एक सेट टॉप बॉक्स, लेकिन इस सेट टॉप बॉक्स में केवल आप टेलीविजन के चैनल्स ही देख सकते हैं मंथली रिचार्ज के हिसाब से। अगर ST प्लान का रिचार्ज करेंगे तो ST कंटेंट देखेंगे और ST कंटेंट के साथ साथ अगर HD कंटेंट भी देखना चाहते हैं आप टाटा प्ले का DTH खरीद के आप टेलीविजन चैनल्स एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको फिर ऑनलाइन OTT एप्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं टाटा प्ले बिंज प्लस पे, जो कि आज का हमारा वीडियो का मेन फोकस है, इसी के बारे में आपको बताने का। टाटा पे बिंज प्लस दोस्तों ये जो OTT ऐप एक्सेस करने का बॉक्स है ये शानदार बॉक्स है, ये एंड्रॉयड बॉक्स है और इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है इसमें, और वो मॉडिफिकेशन यही है अब इस बॉक्स में आपको एक साथ काफ़ी सारे ऐप्स एक्सेस करने मिलेंगे, वो भी आपको मंथली रिचार्ज पे, अलग से अलग अलग एप्लीकेशंस के आपको एनुअल या मंथली प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है। इस बॉक्स के माध्यम से आप ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं, वो चाहे आपका G5 का कंटेंट हो, वो चाहे हॉटस्टार का कंटेंट हो, आपको अलग अलग रिचार्ज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक ही प्लेटफॉर्म पे टाटा प्ले बिंज प्लस आपके लिए लेके आया। आइए अब देख लेते हैं कि इसके ऑफरिंग्स क्या हैं, मतलब अगर आप आज के डेट में ये बॉक्स परचेज करते हैं स्मार्ट एंड्रॉयड बॉक्स तो इसके ऑफरिंग्स क्या है, कंपनी क्या बताती है इसके बारे में। कंपनी का कहना है दोस्तों कि 13 OTT एप्स इंटरनेट का यूज़ करके ये 13 OTT एप्स आप इस बॉक्स में एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 13 OTT एप्स आपके सामने, डिस्नी है, G5 है, हंगामा प्ले है, वूड सेलेक्ट भी है। तो इसमें नेटफ्लिक्स नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स भी आपको मंथली रिचार्ज में कुछ प्राइस बढ़ा के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अभी तक बाकी जो सेट टॉप बॉक्सेस हैं, स्मार्ट एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्सेस हैं, वो चाहे डिश टीवी का हो चाहे एयरटेल का हो, तो अभी तक दोस्तों इसमें ऐसा ऑफर नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों टाटा प्ले बिंज कॉम्बो प्लान्स। तो अभी जैसा पीछे हम बात ही कर रहे थे कि अलग अलग प्लान्स आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्बो प्लान्स आ गए हैं। तो कॉम्बो प्लान्स में एक अलग से वीडियो बना के मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि कॉम्बो प्लान्स में जैसे आप अपना सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज कराते हैं पर मंथ HD चैनल सेलेक्ट करके कुछ या फिर कुछ ST चैनल्स को सेलेक्ट करके तो प्लान वेरी करता है, उसी तरीके से अगर TV चैनल्स और OTT एप्स आप साथ में देखना चाहते हैं तो मिनिमम 499 पर मंथ आपको खर्चा करना पड़ेगा।
और इसके बाद भी बहुत सारे और भी प्लान हैं, जो कि आप कहां से देख सकते हैं, dataplay.com की वेबसाइट पे आपको जानी है दोस्तों। वहां से इस बॉक्स को आप परचेज भी कर सकते हैं और वहां से सारे कॉम्बो प्लान्स को आप एक्सेस भी कर सकते हैं, उनके प्राइस देख सकते हैं कि सारे OTT ऐप्स और जो आप स्पेसिफिक टेलीविजन चैनल्स देखना चाहते हैं उनके साथ ये बॉक्स आपको कितने में पड़ेगा। अगर आप सालाना पैक लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आप हर मंथ रिचार्ज कराना चाहते हैं तो ये वो भी आप रिचार्ज करा सकते हैं। तो ये बॉक्स दोस्तों आपको ऑप्शन देता है उन व्यूअर्स के लिए जो OTT कंटेंट को भी देखना चाहते हैं और टेलीविज़न कंटेंट को भी देखना चाहते हैं। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे दोस्तों। तो प्राइसिंग आप देख सकते हैं, इसकी प्राइसिंग है 2499। तो आपको ये बॉक्स लगभग 2500 रुपये में उपलब्ध है मार्केट में। इसके लिए आपको जाना है dataplay.com की वेबसाइट पर और वहां से जाकर के ये बॉक्स आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप OTT ऐप्स के साथ साथ टेलीविज़न चैनल एक्सेस करना चाहते हैं तो ये बॉक्स बिल्कुल आपके लिए है। तो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये एक तरह का रेवोल्यूशन है DTH मार्केट में, जिसमें कि अब स्ट्रीमिंग ऐप्स को TV के साथ जोड़ दिया गया है, बिल्कुल एक स्टेप अहेड है। तो मेरा कंक्लूजन यही है, ये बॉक्स आप परचेज कर सकते हैं और आप एक्सेस कर सकते हैं OTT कंटेंट्स के साथ साथ आपके अपने टेलीविज़न के कंटेंट्स भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको इनक्रेज करें कि आपके लिए हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।